दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 24 फरवरी से दो मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जाएगी। ऐसे में बीसीसीआई ने टी20 श्रृंखला के लिए भारत की 15 सदस्य टीम की घोषणा जो है वो कर दी है। इस श्रृंखला में भारतीय टीम की कमान फिर से विराट कोहली संभालेंगे। वहीं बात करें जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और उमेश यादव की इस टी20 स्क्वाड में वापसी हुई है, तो वहीं टी20 श्रृंखला में से कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और केदार जाधव को आराम मिला है। बात करें पहले टी20 की, तो पहला टी20 मुकाबला बाय एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाना है और यह मैच भारतीय समय अनुसार 7 बजे से शुरू होगा। इस श्रृंखला का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और वहीं इंटरनेट की सहायता से आप हॉटस्टार या फिर जियो टीवी पर इस मैच का आनंद ले सकते हैं। बात करें पहले टी20 की, तो यहाँ पर पहले टी20 मुकाबले में हमें ऋषभ पंत और रोहित शर्मा की नई ओपनिंग जोड़ी देखने को मिल सकती है। विश्व कप 2019 के नजरिए से यह परिवर्तन टीम में हो सकता है। वहीं क्रिकेट एक्सपर्ट भी यह परिवर्तन देखना चाहते हैं। तीसरे पायदान पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ही नजर आएंगे। वहीं चौथे पायदान की बात करें तो वहां पर केएल राहुल नजर आएंगे और पांचवें पायदान पर दिनेश कार्तिक हो सकते हैं। वहीं इस टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी 6 नंबर पर होंगे, तो कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर मैदान पर उतर सकते हैं। बात करें गेंदबाजी की, तो इस टीम में गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और युजवेंद्र चहल को मौका मिल सकता है। अगर बात करें प्लेइंग 11 की, तो वो कुछ इस प्रकार से रह सकती है। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आप ऋषभ पंत को ओपनिंग करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं, और क्या ऋषभ पंत ओपनिंग करते हुए ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी एक क्रिकेट के फैन हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।